भादवे की अष्टमी की रात को भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ था। चूंकि गीता ज्ञान में भगवान कृष्ण जी ने यह भी कहा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब पृथ्वी पर भार बढ़ेगा मेरा आना होगा। यूं तो 24 अवतार बताए गए हैं भगवान विष्णु के, कलयुग में भी एक अवतार होगा, गुणी लोगों ने बताया है कल्कि के नाम का अवतार होगा। लेकिन बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म की, बात करते हैं। कहते हैं कंस का चाचा देवक था, कंस का चाचा देवक था और देव की उसकी पुत्री थी, 18 वर्ष की उम्र हुई, रंग रूप देह में सुतरी थी। कंस की बहने वासुदेव को ब्याही गई थी। कंस सोचता है जब मेरी और बहने वासुदेव को ब्याही है, क्यों ना मैं देव की बहन जो मेरी चचेरी बहन है इसकी शादी भी मैं कंस के साथ क्यों ना कर दूं। कंस के साथ शादी कर दी और जैसे ही अपनी बहन की डोली लेकर के वो रथ लेकर के चला और खुद गढ़वाला बन जाता है कंस, आकाशवाणी हुई कि ए कंस, जिसका तू डोला लेकर जा रहा है, जिसका आज तू गढ़वाला बना है, तेरी इसी बहन का 8वां पुत्र तेरी जान ले लेगा, तुझे मार देगा। कंस ने अपनी बहन को और जीजा वासुदेव को दोनों को कारागार में डाल दिया। मन में बात थी कि 8वां बेटा मारेगा, अपनी बहन को नहीं मारूंगा, इसके 8वें बेटे को मारूंगा। पहला बेटा हुआ, कंस उसको मारने चला तो मन में ख्याल आया कि तेरी दुश्मनी तो 8वें तक है, 7 मार चुका था। सजनों जब 8वां पुत्र पैदा हुआ, जने खड़ी योग माया दोरे वासुदेव को बतलाती है और योग माया कहती है कि मैं रोहिणी के गर्भ में जाती हूं और गोकुल की बात बताती हूं। सजनों योग माया कहती है कि आप इस बच्चे को लेकर के गोकुल चले जाओ, वहां मैं जन्म लूंगी, वहां से तुम मुझे लेकर आ जाना। योग माया की बात सुनकर जब कृष्ण जी का जन्म हुआ, मन में कई ख्याल है वासुदेव के कि इस बच्चे को लेकर किस प्रकार तो जाएगा। उस समय का वर्णन कवि ने करा है, बोलिए कृष्ण भगवान की। ए देव की के जतन बनाऊं मैं, और देवकी ने अपना कालजे का टुकड़ा वासुदेव को देते हुए कहा कि इसे लेकर के जाओ। हाय देवकी के जतन बनाऊं मैं, लेकिन वासुदेव बोलिया इस बालक ने गोकुल में किस डाल पुचाऊं मैं। हाय देवकी के जतन बनाऊं मैं, देवकी के जतन बनाऊं मैं, इस बालक ने गोकुल में, इस बालक ने गोकुल में किस डाल पहुंचाऊं मैं। हाय देवकी के जतन बनाऊं मैं, हाय देवकी के जतन बनाऊं मैं, इस बालक ने गोकुल में किस डाल पहुंचाऊं मैं। हाय देवकी पाया में बेड़ी पड़ी हुई, संकल ताले बिड़े हुए से फाटक सारी भिड़ी हुई, संकल ताले बिड़े हुए से फाटक
मते मंदिर के बाहर खड़े आता के मते गाले रे हो कने होशियार खड़े सात तालों के अंदर बंद हर दरवाजे पे जहरीले सांप लटक रहे हैं कोई लकड़ेगा तो सांप डंक मार लेंगे खुन्नी आती है अगर मानस दिख गया आती पैरों से कुचल के मार देंगे कुत्ते भेड़िए इतनी सारी मौत का सामान है अपने मन में वासुदेव कहते रहे इतना सारा पहरा हाय देव की क्यों कर जाऊं मैं हाय देव की क्यों कर जाऊं मैं हाय लिकड़ कर क्यों कर जाऊं मैं हाय लिकड़ कर क्यों कर जाऊं मैं खुले खुले हथकड़ी पेड़ी तो खुले हथकड़ी पेड़ी तो फिर ना घबराऊं मैं हाय देव की जय बनाऊं मैं हाय देव की जय बनाऊं मैं अरे इस बालक में तो कुल में किस डाल बचाऊं मैं हाय देव की जय बनाऊं मैं हाय देव की जय बनाऊं वासुदेव सोच रहे करे हाथों में इतनी मोटी मोटी सांकड़ पड़ी है इस बालक ने क्यों कर लेकर जागा और बाहर लिकड़ेगा तो क्यों कर लिकड़े सात ताले बंद है अचानक चमत्कार हुआ एक बहुत जोर के बिजली कड़की और जितने पहरेदार थे सारे चितपट हो गए मोटी मोटी सांकड़ हाथ पैरों में पड़ी है गड़ में तो क्या तकड़ी है पता नहीं क्यों एकदम तो वे भी खुल गई के कहानी बनी के बताया वासुदेव वासुदेव मन में घबराया वासुदेव मन में घबराया काया में बेदन सी छिड़गी वासुदेव मन में घबराया काया में बेदन सी छिड़गी ऐसी फिरी हरी की माया दोनों वाकी बेड़ी खुल गई सांकल ताले सारे खुल गए रखवाला पे मट्टी पड़ गई सांकल ताले सारे खुल गए रखवाला पे मट्टी पड़ गई सांकल ताले सारे खुल गए रखवाला पे मट्टी पड़ गई दोनों का डेट बन गया देख कर कब बदला ख्याल दोनों का डेट देवकी ने चाम भर के सौंप दिया नंदलाल श्री कृष्ण ने सर पर ठा के चाल पड़ा भोपाल श्री कृष्ण ने सर पर ठा के चाल पड़ा भोपाल श्री कृष्ण ने सर पर ठा के चाल पड़ा भोपाल अचानक बेड़ी खुल गई सात ताले खुल गए देवकी बोली के पिया जी देखो ये कोई चमत्कार हो रहा है इस बच्चे को आप गोकुल में लेके जाओ एक छाज जो गेहूं छानने का होता छाज में उस छोटे से टाबर को लिटा दिया जो भी एक दो घंटे पहले पैदा हुआ उस बच्चे को छाज में लिटा के और एक ओनी सी तार के उसके ऊपर धर दी और निबली देखे बाहर बारिश भी हो रही है मेरे बच्चे को संभाल के लेके जाना वासुदेव का डेट बंदिया रजविए पहरेदार गिर गए खूनी कुत्ते बेहोश हो गए तो बचानिया तो वो है लेके चाल पड़ा लेकिन उल्टा हटका आया और देवकी को निबलरी देवकी हाय देव की तन समझाऊं मैं हाय देव की तन समझाऊं मैं तू ईश्वर रटती रही है इतने वापस आऊं मैं हाय देव की तन समझाऊं मैं Yeah.
अरे खुल गए ताले नकाने बात हो गई, खुल गए ताले घंटे पहले जिस बच्चे का जन्म हुआ हो, क्या आप उस बच्चे को बाहर खुले में ला सकते हो? नहीं, हमें डर रहता है कि कहीं बीमार ना हो जाए, हवा ना लग जाए, लेकिन बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। वासुदेव ने मन में भगवान का नाम रटे, भगवान ये बालक बच जाना चाहिए। नहीं बोले वासुदेव, क्यों करे भी करके ये बच्चा बच गया तो पृथ्वी का उद्धार कंस का हो जाएगा। सजनों, उस बच्चे को छाज में लेके सिर पर धर के जमुना पार करनी थी, जमुना जी के कंठारे पे आ गया वासुदेव। जमुना जी को भी गंगा जी के समान पवित्र माना जाता है, और लेख तो ये कहते कि गंगा से बड़ा स्थान है यमुना का। जमुना जी के जल को माथे तक चुचकार के अपने पैरों की जूती बाहर निकाल दी और जमुना जी में प्रवेश कर जाते हैं वासुदेव। जमुना अपने मन में सोचती है यमुना मैया कि देख तेरे अहोभाग्य, अरे पूरी प्रकृति का स्वामी नारायण तेरे अंदर खुद आया है, क्यों मौका चुके है कि पैर छू ले। जल बढ़ता गया ऊपर को, जैसे ही छाती तक पानी आया घबरा जाता है वासुदेव। नाड़ तक पानी आया घबरा गया, ठोड़ी तक पानी आ गया घबरा गया। अपने मन में सोचने लगा, अरे तू भी मरेगा, यो बालक भी मरेगा, बारिश का टाइम है, पानी का स्तर और भी बढ़ सकता है, उल्टा हट ले। वासुदेव उल्टा हटा, सजनों कमाल हो जाता है, जो पैरों में तो जूती काटी थी वे शेर बन जाती है। पीछे भी मौत, आगे भी मौत, भगवान का नाम सुमर के उल्टा जमुना जी में बढ़ गया। के कहानी बनी राजा मन में करे विचार। वासुदेव जी भीतर बढ़ गया, देवता जल ने चुचकार। वासुदेव जी भीतर बढ़ गया, देवता जल ने चुचकार। अरे मझदारा में पहुंचा राजा, अरे मझदारा में पहुंचा राजा, मझदारों में पहुंचा राजा, नाक तलक पानी आया। पिताजी का कष्ट देख के कृष्ण जी ने पालक काया, छू के चरण उतर गी जमुना, ऐसी फिरी हरी की माया। छू के चरण उतर गी जमुना, ऐसी फिरी हरी की माया। छू के चरण उतर गी जमुना, ऐसी फिरी हरी की माया। हाय कथा कृष्ण की गाँव में, हाय कथा कृष्ण की गाँव में, कह बाजे भगत गुरु अपने ने, बाजे भगत गुरु अपने ने, निश्चिन द्याऊ में, देव जी के जतन बढ़ाऊ में, हाय देव जी के कथा कृष्ण की सुनाऊं मैं। भजन अच्छा लगा हो तो हाथ खड़े करके बोले कृष्ण भगवान की।